आज हम बात करते हैं परमानेंट प्रोजेक्ट की। परमानेंट प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसकी वजह से क्लब को एक अच्छी ऊंचाई पर जा सकता है। उसकी वजह यह है कि परमानेंट प्रोजेक्ट एक परमानेंट काम करता है। जो एक्टिविटी जो होती है वो एक बार एक्टिविटी हो जाती है, दूसरे दिन लोग भूल जाते हैं, लेकिन परमानेंट प्रोजेक्ट ऐसा होता है कि जिसकी वजह से वो सालों साल चलते रहता है और उसकी बेनिफिट सालों साल लोगों को मिलता है और उसका सेटिस्फैक्शन हमको भी मिलते रहता है। तो वो प्रोजेक्ट जो होता है वो प्रोजेक्ट के लिए कॉस्ट ज़्यादा होती है, लेकिन वो कॉस्ट करने के लिए हमको लायंस क्लब इंटरनेशनल ने LCIF ने एक अच्छा मौका दिया है। अगर हम 25% कंट्रीब्यूशन करते हैं, फंड रेजिंग करते हैं, तो 75% हमको लायंस क्लब ऑफ इंटरनेशनल फाउंडेशन से पैसा मिलता है और एक बड़े बड़े प्रोजेक्ट हम कर सकते हैं। तो ऐसे प्रोजेक्ट का मैं एग्जांपल देता हूँ कि हमारे लायंस क्लब ऑफ भोले भोसरी और चिंचोड़ रायल ने एक परमानेंट प्रोजेक्ट का शुरुआत की थी डायलिसिस सेंटर की, जो मौर्या हॉस्पिटल में, जहाँ पे 8 मशीन एक साथ लगाए थे और वो 8 मशीन जो है आज भी काम कर रहे हैं और जिसके हजारों बेनिफिशरी हर साल बेनिफिट ले रहे हैं। और आज तो अभी हमने रिसेंटली किया है कि उसको फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया है, तो हर बेनिफिशरी अपना बिना मूल्य सेवा ले सकता है और अपना लाइफ जी सकता है। क्योंकि मालूम है कि डायलिसिस वाला जो पर्सन है वो ज़्यादा दिन तक नहीं रहता है, लेकिन उसको हम जो सेवा देते हैं तो उसका जो उसको आनंद मिलता है वो आनंद उससे बहुत गुना हमको भी मिलता है। तो ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं वो, उसका एक एग्जांपल बताऊंगा। 12-13 में जो प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन हुआ था तो एक कॉर्पोरेटर को हमने बुलाया था, वो कॉर्पोरेटर के इनॉग्रेशन के लिए बुलाया, उन्होंने देख के वो भी भावुक हो गए और उन्होंने 1 मशीन उनकी तरफ से दे दी। तो ऐसे ही वो अपनी जो क्लब का जो ये होता है कि मार्केटिंग होती है, इमेज बिल्डिंग होती है, और वो इमेज बिल्डिंग के साथ साथ हम हमारा मेंबरशिप ग्रोथ कर सकते हैं और ये प्रोजेक्ट आगे भी जा सकते हैं। रिसेंटली ये मैंने भी ये साल में मैं मेरा सौभाग्य मानता हूँ कि हमने एक डायलिसिस अपना एक जो डेंटल क्लिनिक का प्रोजेक्ट हाथ में लिया और उसको हमने इनॉग्रेट किया, तो उसकी जो मुझे खुशी होती है तो वो खुशी मैं आपको वर्ड में नहीं बता सकता हूँ। क्योंकि जब पेशेंट्स आते हैं और ट्रीटमेंट करते हैं तो उसके लिए उनको जो खुशी मिलती है वो बहुत ज़्यादा होती है। अभी रिसेंटली हमने क्या किया उसके लिए कि खराबाड़ी एरिया में कैंपेन किया, कैंपेन करके लोगों को बताया कि हम आपको एकदम माफक दर में 25% रेट में आपको अगर 8,000 रुपये का रूट करा को लग रहा है तो वो आपको सिर्फ 2,000-1,500 में आपको मिल सकता है, ये बेनिफिट आपको मिलेंगे। जब वो टैक्सी ड्राइवर है या हाउसमेड है वो जो लोगों ने देखा तो बहुत खुशी है और बहुत अच्छा लगा उनको। तो ऐसे प्रोजेक्ट हम हमेशा करते रहते हैं और इसका बेनिफिट मिलता है और उसकी वजह से मेंबरशिप का ग्रोथ भी होता है और मेंबर्स को फायदा होता है, क्लब को फायदा होता है और वो बेनिफिशियरी को भी फायदा होता है। ऐसे सारे प्रोजेक्ट का बेनिफिट है लाइन जब है सर। मैं लास्ट में एक ही बात बताना चाहता हूँ कि इंस्टेड ऑफ डाइन एंड वाइन डू द सर्विस फाइन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू लाइन रमन जी। 2 मिनट 57